दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेल्टा फंक्शन का कैसे फाइंड करते हैं, बहुत थोड़ा सा है, छोटा सा पोर्शन है. लेट अस डू दैट ऑल्सो, बिकॉज इसमें मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ओके, फूरियर ट्रांसफॉर्म डेल्टा फंक्शन का कैसे लेते हैं, जो भी फंक्शन का लेते हैं उसको आप यहाँ रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है. क्या डेफिनेशन होती है, 1/√2π माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी फंक्शन यहाँ लिखते हैं, e−iαx dx, यही होता है ना डेफिनेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म. यस मैम. ठीक है, अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करो, प्रॉपर्टी 1, और क्या आ जाएगा, e−iαa आ जाएगा. दिस इंटीग्रल वुड बी e−iαa और नॉट, फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करोगे तो. यस मैम. यस मैम. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करके ये आ गया. ओके, साइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिख दी, वही फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज की, दिस बिकम्स साइन अल्फा ए. सिमिलरली कोसाइन ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं, डेफिनेशन फंक्शन की जगह मैंने ये लिख दिया बस, किसका लेना है. और इस इंटीग्रल, अच्छा, लैपलास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन जब मैं कराऊंगी उससे ही आ जाएगा. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है नीचे आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट है. फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन x+2. ठीक है, अब मैंने क्या एक पर्टिकुलर वो ले लिया, ठीक है, a की वैल्यू है इसमें, केवल a क्या है, -2. ठीक है, तो अब इसका, इस फंक्शन का, इस वाले डिराक डेल्टा फंक्शन का सबसे पहले मुझे फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है. कैसे निकालेंगे, डेफिनेशन लिख दी तो ये आ जाएगा, ये तो सबको समझ में आती है. यस मैम. अब मुझे ये बताओ फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, मेरे हिसाब से 0 आएगा, आप लोग को क्या लगता है, अगर समझ में आया कि 0 कैसे आएगा तो मुझे बताओगे. अभी सिमिलरली फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज ऑल्सो 0 फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन. तरह से जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी fx e रेस पर st या ft e रेस पर st dt, ये उसका डेफिनेशन होता है. आफ्टर द वेकेशंस वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट आल्सो, आफ्टर डूइंग द कन्वोल्यूशन थ्योरम आई विल स्टार्ट विद लैपलेस ट्रांसफॉर्म ओनली. फाइन, तो ये डेफिनेशन है. तो जहां जिस भी फंक्शन का आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना होता है वो यहाँ लिखते हो, और एंड जस्ट राइट इट डाउन एज e−sc. फाइन, लेकिन यहाँ मुझे ये बताओ यहाँ 0 कैसे आ रहे हैं, अपार्ट सिर्फ और सिर्फ मेरे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म में 0 नहीं आया, आपको कोसाइन साइन ट्रांसफॉर्म, कोसाइन ट्रांसफॉर्म और फूरियर यहाँ लैपलेस ट्रांसफॉर्म की वैल्यू 0 क्यों आ रही, कौन बताएगा मुझे. सुनाई दे रहा है, ऑडिबल? यस. आप डेल्टा फंक्शन x+2 को प्लॉट करो पहले, कहाँ पे लाई करेगा वो? मैम x = −2 पे लाई करेगा इस वजह से. ठीक है, x = −2 पे लाई करेगा. फाइन, तो x = ये जो डेल्टा −2 पे लाई करेगा, फाइन, लेकिन ये जो मेरा इंटीग्रल है 0 से इन्फिनिटी पे है तो उसमें इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल्टा ऑफ x + 2 0 होगी मैम, इसलिए होगा. ठीक है,
समझ में आ गया। सिमिलरली कोसाइन में भी यही होता है और लैपलास भी जो है ना जीरो से इन्फिनिटी पे डिफाइंड होता है, लेकिन फोरियर जो है पूरा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पे डिफाइंड है। तो वहां पे बीच में एक x इक्वल टू माइनस टू भी एक पॉइंट आएगा जहां पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होगी, तो वहां उसकी वैल्यू होगी। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज नॉन जीरो, बट साइन ट्रांसफॉर्म, कोसाइन ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, अगर मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन की बात करती हूँ, देन इट कम्स आउट टू बी जीरो। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस और नो? यस मैम। यस मैम। बट इफ आई वांट टू, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, बट इफ आई वांट टू फाइंड आउट द सेम फॉर एक्स डेल्टा एक्स माइनस टू, तब वो जीरो नहीं आएगा, तब उसकी वैल्यूज आएंगी। बिकॉज ठीक है, जीरो से इंफिनिटी के बीच में x इक्वल टू टू लाई कर रहा है, वहां पे उसकी वैल्यू एक पोजिशन पे x इक्वल टू टू पे, तो डेल्टा की फंक्शन की वैल्यू नॉन जीरो है ना। इसकी वजह से क्या होगा कि यू वुड गेट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एज वेल एज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन दैट यू आर गिवन। तो आपको ये देखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है कि किस फंक्शन का आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म और ये सब निकालने के लिए बोला है। तो डेफिनेशन अगर आपको पता है तो यू कैन वेरी इजीली फाइंड इट आउट।